शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पंखुड़ी। हाँ माँ। अच्छा। बेटा, पैर अंदर रखो। कौन हो तुम और यहां कैसे आई? और तुम्हारे माँ पापा कौन है? क्या नाम है उनका? हमारे माँ पापा का नाम निकाल देंगे, लेकिन आप ही को जो चाहिए थी वो खेलने वाली गुड़िया, उसके पैसे दिए। अब आप हमें ये बताइए, उसने आपको बाजार में गिराया, आपको इतना परेशान किया, और आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? कभी भी नहीं। चंद्रा के बेटे हैं, अपना बदला नहीं लेंगे? रुको, हम आपको एक चीज दिखाते हैं। यही रुको, भाग मत जाना। ये देखिए हम क्या लेकर आए हैं। अब आप उस गुड़िया के साथ जो करना है करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। सोचिए, उसका ऐसे करके हाथ तोड़ दिया, कैसे कैसे चिल्लाएगी और उसको थप्पड़ मारा तो पूरे गाल उसके लाल लाल हो जाएंगे टमाटर के जैसे, और उसकी बुंदी ऐसे। हमारे बाबा का नाम मोहन कुमार सिंह और नीति सिंह है। काश हमारे केशव और नेत्रा का कोई बच्चा होता तो इतना ही बड़ा होता। कौन, किसकी बात कर रही है? किसी की नहीं, पर अच्छा किया तुम आज यहाँ आ गई, वरना हमारी पूजा तो अधूरी ही रह जाती। हमारे होते हुए आपकी कोई भी पूजा अधूरी नहीं रहेंगी दादी। कितना मीठा बोलती है तू। क्योंकि हमें गुड़ बहुत पसंद है ना, इसलिए। याद है माँ, बाबा को भी गुड़ बहुत पसंद था। कितने मन से आप लोग
हर साल कन्या पूजन करवाते थे और आधा गुड़ खुद ही खा जाते थे। कहाँ है वो? हम उन्हें भी अपना गुड़ वाला दोस्त बना लेते। अब क्या बताएं इस मासूम बच्ची को? वो हमारे साथ होकर भी हमारे पास नहीं है। अरे पंखुड़ी, वो कन्या पूजन की कथा की किताब कहाँ है? जरा ले आ। क्या हुआ? माँ, यही रखी थी थाली में, पता नहीं कहाँ रख दी। अरे कन्या पूजन की कथा की पुस्तक के बिना हम पूजा कैसे करेंगे? अधूरी रह जाएगी ना। जा जाके देख अंदर तो नहीं। हाँ माँ। बहुत समय पहले एक पंडित जी थे जिनका नाम श्रीधर था और वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। हर समय उनकी भक्ति में लीन रहते थे, पर उनकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। पर उन्होंने एक दिन नवरात्रि का व्रत रखा, सारी कन्याओं को कन्या पूजन के लिए बुलाया, पर उन सारी कन्याओं में से एक प्यारी सी कन्या माँ वैष्णवी के रूप में आई थी। और श्रीधर ने पूरे दिल से सारी कन्याओं का आदर सम्मान किया और पूजन होने के बाद जो सारी कन्या थी वो तो अपने घर चली गई, पर उनमें से जो माँ वैष्णवी बनकर एक कन्या आई थी वो श्रीधर के पास रुकी। उस कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखवाने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। श्रीधर ने बिल्कुल वैसा ही किया, उन्होंने पूरे दिल से सबका सम्मान किया और खाना भी खिलाया। और आपको पता है उनके भंडारे में भैरवनाथ खुद आए थे। और ये सब करने के बाद श्रीधर को बहुत सुंदर संतान हुई। तब से लेकर आज तक हर नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। कितनी प्यारी बच्ची है तू, सच में आज हमारी पूजा तूने ही पूरी की है। अरे पंखुड़ी, भोग लगा। हाँ। आपको पता है हमारे बाबा भी ऐसे ही हलवा पूरी बनाते थे। और पता है हमें क्या कहते? हमें कहते हैं कि उनको ये हलवा पूरी बनाना उनकी माँ ने सिखाया है। हमने हलवा बनाना सिखाया था, कहीं ये बच्ची तुम्हारी दादी कहाँ है? हमारी दादी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारा माँ और बाबा है, कोई नहीं। आप एक गुड़ खाओ, आपका मन मीठा हो जाएगा। वैसे तो आपका मन मीठा है और मीठा हो जाएगा। अब हम सबको प्रसाद देकर आते हैं। मैं दूसरी थाली बना के देती हूँ। श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।